जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। पहली शंका, चैतन्य चैतन्य जैसे योगी भी कहते हैं, मुझे बुद्धिस्ट नॉलेज शास्त्र का तो समझ में आ रहा है पर प्रैक्टिकल में वो जोर नहीं आ रहा है। सत्संग सुनना रोज होता है एक दो बार, पर उसमें ही अटक जा रहा हूँ, ऐसे क्यों? परम कृपालु देव ने सिर्फ ज्ञान ग्रहण करने को नहीं कहा, ज्ञान ग्रहण करने के साथ साथ उसका प्रयोग भी हो तब प्राप्ति होती है। थियोरी सुन लेते हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पाता, और प्रयोग जो है व्यक्तिगत जीवन में जब जब ऐसी घटना घटती है वहां पर जो हमें करना चाहिए वो नहीं हो पाता। ज्ञानियों के वचन को अनुभव प्रमाण से जो सिद्ध करना चाहिए वो नहीं कर पाते, उसके कई कारण हैं। उन समस्त कारणों में महत्वपूर्ण एक कारण है, लक्ष्य का ही अभी निर्णय नहीं हुआ है। ध्येय का निर्णय नहीं है, अभी दो नाव पर एक साथ सवार होने की भीतर वृत्ति है। सत्संग सुनते हैं तो मस्तिष्क यह कहता है कि यही सत्य है, मगर जैसे ही सत्संग पूर्ण होता है फिर जो मलिन वृत्तियां उठती है, फिर जो मोह माया काम क्रोध के विकार उत्पन्न होते हैं, वे विकार सत्संग सुनने के समय कहां चले गए थे? और यदि उन विकारी भावों की उत्पत्ति के काल में भोगों को भोगते हैं तब वह सत्संग में सुना हुआ ज्ञान कहां चला गया? तो ऐसा होता है, मगर उसमें भी मूल हेतु को पकड़ा है कि सत्संग जो सुना है उसमें बुद्धि की प्रधानता थी और विषय की वासना में श्रद्धा की प्रधानता थी। मोक्ष के मार्ग में बुद्धि की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी श्रद्धा की, इसलिए ज्ञानियों ने बुद्धि परम दुल्हा नहीं कहा, श्रद्धा परम दुल्हा कहा।
इसलिए ज्ञान और चारित्र को बाद में रखा और दर्शन को पहले रखा। तो मूल जो कारण है, थियोरी में ही अटक जाते हैं, क्योंकि प्रयोग जब करे तब प्रयोग से पता चलता है कि जो मैं सुन रहा हूं वह सच है या झूठ है। अभी अच्छा लगता है क्योंकि कषाय भाव मंद होते हैं। कषाय भावों की मंदता होती है बुद्धि से सुनने से, और मिथ्यात्व की मंदता होती है हृदय से समर्पित होकर के सुनने में। मोह मंद नहीं हुआ, कषाय भाव मंद हुए। अब उसका प्रयोग कि यहां तक इतनी दूर से चैतन्य की अनुभूति के लिए आए हैं, तो अब ज्ञान को इकट्ठा करना या बुद्धि को बढ़ाना, उस पर जोर न देकर के लोगों में, समाज में या फिर अपने निकटवर्ती मित्रों में कहीं ना कहीं ये भावना रहती है कि इन सब के सामने भी मैं अपनी बुद्धि को दिखाओ, तर्क करूं, युक्ति करूं, अलग अलग विवक्षाओं से मैं समझाऊं। इसलिए तो अक्सर लोग यहां से सुनकर के पंडित होकर के चले जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने आत्मा को तो जाना नहीं, पहचाना नहीं, आज भी वे गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं, यहां से आकर के सुन के गए हैं, आज भी वे यूट्यूब से प्रवचन सुनते हैं, और उन्होंने अपनी बहुत बड़ी शिष्य की सभा इकट्ठी की है, वे खुद गुरु बने हैं। क्योंकि गुरु बनने में एक मजा आता है, आत्मा की अनुभूति का जो सुख है ना, वह सुख आगे मिलेगा पुरुषार्थ करो। मगर ये जो बुद्धि, ये जो चर्चा वार्ता, उसका जो सुख है वो अभी मिल रहा है, इसलिए दिमाग को ये बात स्वीकृत ही नहीं हो पाती। हमारा मन है ना, वो तत्क्षण जीवी है, उसे कहते हैं कि तुझे ये सुख मिलेगा अनंत काल के बाद में, और एक अभी का वर्तमान का काल्पनिक सुख है। वो कहेगा जैसा है काल्पनिक तो काल्पनिक मुझे मिल जाए। बच्चे हैं, छोटे जवान, अभी नव युवान बच्चे हैं, गंदे गंदे दृश्यों को देखते हैं, उनके माता पिता उनको समझाते हैं कि ऐसे गंदे दृश्यों को मत देखो, संस्कारी बनो, समाज में तुम्हारा नाम होगा कि ये शालीन पुत्र है, ये गुणवान है, ऐसे बुरे दृश्यों को मत देखो, कल जाकर के तुम्हारी शादी होगी तो कोई अच्छी कुलीन घर वाली लड़की से होगी, सुंदर लड़की होगी, गुणवान होगी। ये सब माता पिता बच्चों को बहुत सिखाते हैं, फिर भी बच्चे बुरे दृश्य देखते हैं, रोकते नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उसे 5 साल 10 साल के बाद में जो मिलने वाला है, उस पत्नी से जो सुख मिलने वाला है वो तो अभी मिल रहा है ना। वो कहता है मैं क्यों इंतजार करूं उतना 5-10 साल का भी, मुझे अभी मिल रहा है। तो उसे उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो माँ बाप की सोच है। बच्चे का दिमाग ये कहता है कि जो तात्कालिक अभी मिल जाता है बस मुझे वो लेना है, बाद की कल्पना में नहीं करता। तो बुद्धि से जब आप खेलते रहते हो कि मैं चैतन्य हूं, अपने आप में भी खेलते हो या लोगों के साथ भी चर्चा वार्ता करके भी खेलते हो, तब एक कषाय की मंदता वाला या फिर मान कषाय वाला एक आनंद आता है। तब फिर ज्ञानी कहते हैं कि तुझे आत्मा का सुख मिलेगा, तो अपने में लीन हो जा,
तब मन कहता है वो लीन होकर के मिलेगा सुख तो कब मिलेगा, क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, अभी तो पता नहीं है। मगर अभी जो यहां पर वार्ता करके चर्चा करके अभी जो सुख मिल रहा है ये तो तात्कालिक मिल रहा है ना, तो उस मजे को लेने के लिए उस कल्पना में चित्त जाता भी नहीं है, सोचना भी नहीं चाहता। वो तत्क्षण जीवी मन है, उस वजह से ऐसा होता है। तो ये गहराई में समझना कि वर्तमान में जो मैं कर रहा हूं उसमें वो सुख नहीं, वो एक कल्पना है, थोड़ी देर के लिए वो एक काल्पनिक आनंद है, वो सदा काल टिक करके रहने वाला नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो गुरु के चरण में और गुरु के शरण में बैठकर के जो बोध मिल सकता था उस बोध से भी वो वंचित रहा, क्योंकि कहीं गुरु जाकर बैठ होकर बैठा। एक बार गुरु होकर के बैठने के बाद में शिष्य होना बहुत मुश्किल हो जाता है। दिमाग में खोपड़ी में ये बात आ जाए कि मैं किसी का गुरु हूं, फिर मैं किसी का शिष्य हूं, ये बात पर जोर अब कम जाता है। धन्य भागी है वे सदगुरु जिनके शिष्य भी है और जिनका गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण भी है। वे परम कृपालु देव है, वे बोध भी देते हैं, सौभाग्य भाई को समझाते भी है, और महावीर भगवान के चरण में शरण में रह करके अहो अहो भक्ति भाव से वे गुणगान भी गाते हैं। तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होने के बाद में उनके जीवन में एक बैलेंस होता है, उनका शिष्य के प्रति बर्ताव उनका गुरु के प्रति बर्ताव यथा योग्य भूमिका अनुसार होता है। मिथ्या दृष्टि जैसे ही दिमाग में थोड़े शास्त्र को सीख लिया कि गुरु से अब नया सीखने को क्या बाकी बचा, रोज वही तो बात सुना रहे हैं आत्मा चैतन्य, तो वो तो मुझे पता है मैंने सीख लिया। दूसरी बात कि और भी जो कुछ सीखना है यूट्यूब से सुनकर के भी मैं सीख सकता हूं, अब रूबरू जाने की जरूरत क्या है, अब उनके पैर छूने की जरूरत भी क्या है। फिर मन समाधान करता है मेरे हृदय में तो बहुत भक्ति भाव है, रूबरू जाऊं या न जाऊं क्या फर्क पड़ता है, वहां पर शिष्यों की सभा इकट्ठी होती है। तो क्या है कि मन है वो गुरु होना चाहता है, और श्रद्धा है वो समर्पित होकर झुकना चाहती है, बुद्धि झुकाना चाहती है और श्रद्धा झुकती है, वो झुकाना नहीं चाहती वह झुकती है। इसलिए प्लेटो ने एक यूनिवर्सिटी में एक जो कक्षा खोली थी उस क्लासरूम के बाहर लिखा था कि जो लॉजिक नहीं जानते हैं वो यहां प्रवेश नहीं करें, क्योंकि तर्क के पिताओं में इन तीनों का नाम है एरिस्टोटल प्लेटो और सोक्रेटिस, कि जो तर्क नहीं जानते हैं वो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश न करें। और परम कृपालु देव की दृष्टि यही है कि जो तर्क जानते हैं वो यहां प्रवेश न करें। यहां दीवानों का काम है, यहां मस्तानों का काम है, यहां पियक्कड़ों का काम है, यहां सुनना कम है और पीना ज्यादा है। इसलिए देखते नहीं हो कि शाम को हम जो कथा पढ़ते हैं सुनते बड़ी मुश्किल से दो चार वाक्य हम पढ़ते होंगे, वो भी तुम्हें खुश करने के लिए पढ़ता हूं कि अभय घोष मुनि कौन थे या सुकुमाल मुनि कौन थे उनका पूर्व भव का। बाकी तो यही समझना है कि अनुभूति स्वभाव का ज्ञेयों से संबंध नहीं है, कोई ऋणानुबंध नहीं है। तो मूल प्रयोजन है वो रस को पीने का है, बुद्धि को बढ़ाने का नहीं है। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि संभावना बहुत है इसलिए गुरु होना बंद करना है। कहीं पर भी इस संबंध में किसी को बोध न दो तब तक जब तक स्वयं को अनुभूति न हो। अंधे होकर के दूसरे को रास्ता दिखाने में बहुत गड़बड़ हो सकती है, खुद का तो अहित होगा दूसरों का भी अहित होगा, फिर वो पत्थर की नाव की तरह होगा कि खुद भी डूब जाएंगे दूसरों को भी डुबाएंगे। और अहंकार जब इतना चरम सीमा पर होता है तब ये सुनने को भी तैयार नहीं होता, स्वीकार करने को भी तैयार नहीं होता, उसे यही लगता है कि मैं ही सच्चा हूं। भले आपके पास में इतनी बुद्धि नहीं है, इतने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो कुछ भी सुना है उससे भी निराश मत होना। तुष्मांस भिन्नम होकर के भी शिवभूति मुनि पा लेते हैं,
उमराला में जो गांव की सफाई करने वाला भंगी, जो हम आंगन में पढ़ते थे, आध्यात्मिक साधना केंद्र की शुरुआत तो रास्ते पर पढ़ते थे, वहां से हुई है। 200 लोग घर के बाहर ही रास्ते पर, पूरा रास्ता वहां पर ब्लॉक हो जाता रात को, शुक्रवार शनिवार रविवार को, और 18 जाति के लोग वहां पर आते थे। बहुत सालों तक मैंने अप डाउन किया एवरी वीक मुंबई से, तो वहां झाड़ू लगाने वाला भी आता था, ना कोई बुद्धि है, कुछ पता नहीं, छह द्रव्य किसे कहते हैं, उनके बच्चों ने परिभाषा याद की थी, स्कूल में पढ़ते थे तो उनके बच्चे आते थे, परिवार आता था इस लोक में कि उन्हें प्रभावना मिलती है, कोई ना कोई वस्तु देते थे प्रवचन के बाद में, इस भावना से कि चलो इस बहाने भी वो कान में, उनके कान में ये वाणी पड़ेगी। मगर उसने मुझे ये कहा कि मुझे कुछ याद ही नहीं रहता, पूरे गांव में झाड़ू लगाता हूं, मगर जब झाड़ू लगाता हूं तब यही विचार आता है कि झाड़ू लगाते समय ये जो कचरा है, ये कचरा जमीन से हट गया, ये हट गया, इसका मतलब ये कि कचरा जमीन के साथ में मिला हुआ नहीं था, जमीन कचरे से अलग है, कचरा जमीन से अलग है। तो आप जो बोलते हो कि बुरे भाव विकारी भावों को छोड़ो, वो क्यों निकल जाते हैं अब समझ में आ रहा है, यदि चिपके हुए होते तो निकलते नहीं, मिले हुए होते तो दूर नहीं होते। तो जितना भी विकार है वो दूर होता है क्योंकि स्वभाव में नहीं मिला है, चैतन्य में नहीं मिला है, चिपका हुआ नहीं है, ऊपर ऊपर है। तो बोले जब से मैं शुरुआत करता हूं बस स्टेशन से उमराला के, तो पूरी बाजार को सफाई करता हुआ वो आता, और जब भी वो आता तब लोग उससे दूर भागते, धूल की वजह से भी और जाति की वजह से भी, कि अरे वो देखो भंगी है। मगर उसके अंतर में जो चल रहा है उसे कोई द्रव्य गुण पर्याय का पता नहीं है, मगर कचरा जा रहा है, जमीन साफ है, अंदर मिला नहीं है, मेरे अंदर कोई बुरे पाप के भाव मिले नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। उस समय हम कहते हैं तुम्हारा नाम शू छे, तो शुद्ध आत्मा। तो सभी को यही दिमाग में ऐसा भर दिया था, जैसे कल मैंने आपको बताया कि बस अनुभूति मात्र। तो छोटे बच्चों को रोज 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 यही कहते, बोलो तुम्हारा नाम शू छे, शुद्ध आत्मा, तुम्हारा नाम शू छे, शुद्ध आत्मा, तुम्हारा नाम शू छे, शुद्ध आत्मा। उसी समय भाभी को प्रसूति हुई, हम वहां गए और वहां पर सब लोगों ने पूछा कि इसका नाम क्या रखना है, तो मैंने वहां पूछा सबको तुम्हारा नाम शू छे, शुद्ध आत्मा, इसका नाम भी शुद्ध आत्मा, ऐसे ही उसका नाम शुद्ध आत्मा रख दी। अब वो कोई भी उसे ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मगर उसके अंदर वो शुरुआत हो गई है। और कृपालु देव के योग में रहने वाले ज्यादा जीव ऐसे थे, इसलिए इस दृष्टि से मुझे कृपालु देव की वाणी आप ज्यादा सुनो वो ठीक लगेगा। गुरुदेव की वाणी में शास्त्रों की भाषा है, सरल है, मगर उनमें शास्त्र भी आएंगे, क्योंकि गुरुदेव के प्रवचन सुनने वाले खाली साधारण वर्ग नहीं था, बुद्धिहीन नहीं था, पंडित भी थे, पंडितों के पंडित उनके प्रवचन सुनने आते थे, तो उनको उनकी भाषा में समझाना पड़ता था। इसलिए गुरुदेव ने जितने शास्त्र पर प्रवचन दिए हैं, इतना मौलिक रूप से प्रवचन नहीं दिए, समय सार पर 19 बार प्रवचन दिए, मगर स्वयं की ओर से कोई ऐसा नहीं लिखा, एक भी शास्त्र गुरुदेव ने लिखा नहीं। और कृपालु देव ने जितना लिखा सब अपना मौलिक लिखा है, क्योंकि सामने जो जीव है उस जीव को उसकी भाषा में उसे कौन से बोध की जरूरत है उस हिसाब से बोध दिया है। ये वचनामृत के 1000 पत्र तो अभी हमारे पास उपलब्ध है, असल में तो कृपालु देव के देह परिवर्तन के बाद में तो पूरी बोरी भर के पत्र मिले थे, पूरे खराब हो गए थे, कोई अधूरे थे, कोई लिखे नहीं, कोई आए थे मगर कहीं प्रकट नहीं किए थे। ये 1000 पत्र का जो हमारे पास में वो अभी श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत में है, वो तो कुछ हमें मिला है, नहीं मिला वो तो कितना होगा, और वो भी लिखा हुआ, अंदर में तो कितना चला होगा,
पर आयुष्य कोई लंबा नहीं, सिर्फ 33 वर्ष 5 महीने में। इसलिए तो कहा ने कबीर के बाद में कबीर पर पीएचडी होती है। ये कृपालु देव उस समय थे, उस समय कृपालु देव को पहचानने वाले कितने जीव थे। जिंदा है तब उसके अंदर क्या है ये देखना कौन जानता है। जब कोई व्यक्ति इतना सुंदर होता है तो उसकी सुंदरता के अंदर क्या राज छुपा है कोई ढूंढना नहीं चाहता। और जब वो मर जाता है, कोई भी डॉक्टर जिंदा व्यक्ति की सुंदरता के अंदर जो तत्व है उस तत्व की जांच कहां करता है। जितने मुर्दे का पोस्टमार्टम होता है उतना जिंदे के बारे में खोज नहीं होती। पोस्टमार्टम मुर्दों का होता है, जिंदा का नहीं। यही तो इस दुनिया का हाल है। यानी महापुरुष जब जिंदा होते हैं तब उनके जीवन में जाग करके देखने का समय हमारे पास कहां है। जब वे चले जाते हैं तब हम पोस्टमार्टम करते हैं कि उनमें क्या था, कैसे सद्गुण थे, मगर तब तक तो सब खत्म हो चुका होता है। क्योंकि प्रत्यक्ष योग में रह करके जो अनुभूति होगी वो अलग होगी। इसलिए तो हमें कमी खटकती है कि परम कृपालु देव आज हमारे साथ नहीं है, मगर उनके वचन को सुनकर के ही हमें अभी तृप्त होना है, संतुष्ट होना है। इसलिए आप निराश मत हो, आपको जो भी ज्ञान वर्तमान में अभी जितना है नहीं है, बुद्धि कम है, शास्त्र समझ में नहीं आते, तो भी अंतर में जाओ। पाक शास्त्र की किताब को अब खाली पढ़े मत रखो, उसका प्रयोग भी करो। और ये प्रयोगी तो हम बहुत दिनों से यहां सीख रहे हैं कैसे कैसे प्रयोग करना। दूसरी शंका, समय से कलश में आता है कि मोक्ष के मोक्ष में सहज साधे छे इतने साधे नहीं। गुरुजी का प्रवचन में हुआ है कि ये जीवन मोक्ष थोड़ा छे ये सर्वज्ञ ने ज्ञान अनुसार आई छे, परंतु सर्वज्ञ ने पुरुषार्थ पर जोर छे तो पुरुषार्थ ने सहज रहते ये सुसमन को छे। शंका है, समय सार में आता है कि मोक्ष मार्ग की प्राप्ति जो है, मार्ग है वो सहज साध्य है। गुरुदेव के सत्संग में प्रवचनों में आता था कि जो जीव मोक्ष मार्ग को पाएगा वो केवली भगवान ने अपने ज्ञान में जाना है, तो फिर क्या उसे पुरुषार्थ नहीं करना है कि पुरुषार्थ करके ही वो पाएगा ऐसा केवली ने जाना है। केवली के ज्ञान में सिर्फ ये जानने में नहीं आया कि वो पाएगा, केवली के ज्ञान में पुरुषार्थ करेगा और पाएगा, ये दोनों बात जानने में आई है। यदि पुरुषार्थ से पाएगा ये भगवान के ज्ञान में जानने में आया है तो समय सार में फिर सहज साध्य है, सहज हो जाएगा, ऐसा क्यों लिखा है। ये इसलिए हमें शंका होती है क्योंकि हमें पुरुषार्थ का अर्थ नहीं पता। हमें लगता है पुरुषार्थ में कुछ करना 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 करना, ये पुरुषार्थ। यहां कहते हैं जो सहजता है उसका ही दूसरा नाम पुरुषार्थ है। इसलिए पुरुषार्थ से प्राप्ति कहो या सहज प्राप्ति कहो, बात तो एक ही है। क्रमबद्ध पुरुषार्थ में ये बात खास लिखी है कि जब हमारा मोक्ष सम्यक दर्शन जिस समय क्रमबद्ध में लिखा होगा उस समय होगा, तो क्रमबद्ध की श्रद्धा कर। क्रमबद्ध की श्रद्धा कर, मगर क्रमबद्ध की श्रद्धा जो है वो भी तो क्रमबद्ध में निश्चित है ना।
तो मैं क्या करूं? क्योंकि कर्ता बुद्धि जिसके अंदर है उसको यही भाव आएगा, फिर मैं करूं तो करूं क्या? और ज्ञानी का यह उपदेश है, इसी के बल पर सहजता और समाधान होता है कि मैं अब करूं क्या? कुछ नहीं। पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है, पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है, उसे भी आगे पीछे नहीं किया जा सकता। बस ऐसा स्वीकार करके उस क्रमबद्ध पुरुषार्थ से न्यारे चैतन्य तत्व की ओर दृष्टि करना, तो ऑटोमेटिक वो पुरुषार्थ प्रकट होता है कि पुरुषार्थ भी क्रमबद्ध है तो मुझे पुरुषार्थ भी नहीं करना है। मैंने उतना भी विकल्प नहीं करना है कि कब पुरुषार्थ होगा। और भगवान के ज्ञान में सब जानने में आया है। यदि बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा, यदि नहीं पढ़ेगा तो पास नहीं होगा, ऐसा भगवान नहीं जानते। यदि और तो ऐसा ज्ञान भगवान का नहीं है। भगवान का ज्ञान तो स्पष्ट है, यह बच्चा पढ़ेगा और पास होगा। अकेला पास होगा नहीं, पढ़ेगा और पास होगा, यह दोनों जानने में आया। माने पुरुषार्थ भी होगा और प्राप्ति भी होगी, तो दोनों भगवान ने जाना है। यह नहीं पढ़ेगा और यह पास नहीं होगा, यह भी भगवान ने जाना। यह तो अज्ञानी के दिमाग में चलता है, यदि तू पढ़ेगा तो पास होगा, यदि और तो। वहां तो स्पष्ट झलकता है ना, अनंत काल तक का सब एक साथ में झलकता है। सहजता माने द्रव्य का जो स्वभाव है, उस स्वभाव का ही द्रव्य में समर्पण होना, यह सहजता है। हमें लगता है कि कुछ करे, हमें विकल्प में जो कुछ करना होता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं। कि तू प्रवचन सुन तो सही, तू वाणी तो सुन, तू तत्व विचार तो करने बैठ, तू भेद ज्ञान का अभ्यास करने के लिए कोने में तो बैठ जा, इतना तो तू कर, तुझे इतना पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। और ज्ञानी कहते हैं ये जितना भी किया वो पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो विकल्प है। बैठ जा, सुन ले, कोने में चला जा, सबको कह दे कोई बुलाना मत, ये जो है ये विकल्प है, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो यह है कि अपना जो परिणमन है वो अपने में ही जब ढल जाता है उसका नाम पुरुषार्थ है। उसे तुम मेहनत कहना हो तो कह दो अच्छी भाषा में, और बुरी भाषा में गधा मजदूरी कह दो, बाकी वो पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तब तक नहीं होता है जब तक उपयोग उपयोग में समा नहीं जाता। इसलिए लोग कहते हैं हमने पुरुषार्थ बहुत किया मगर प्राप्ति नहीं हुई, नहीं किया। पुरुषार्थ का परिणाम तो प्राप्ति ही है, द्रव्य की शक्ति का द्रव्य में ही खर्च होना, यह पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी नहीं है। यहां पर विकल्प में ध्यान जाता है, ये विकल्प हुए। तो गुरुदेव ये कहते थे कि पुरुषार्थ से पहले इस प्रकार के विकल्प होते हैं। निर्विकल्प अनुभूति से पहले इस प्रकार के विकल्प होते हैं, मगर वे विकल्प कुछ भी नहीं करते, उससे पहले यह स्थिति होती है। वो जो पीछे जो घटना घटने वाली है उस घटना का कर्ता इन विकल्पों को मत मानो, उसकी पूर्व तैयारी है। वो एक संकेत देता है, जैसे यहां ऊपर से थोड़ी धूल खिरना शुरू हो गई, कच्चा मकान, वो जो धूल खिरती है और थोड़ी देर के बाद में पूरा मकान गिरा, तो किसने गिराया? कि उससे पहले जो धूल खिर रही थी ना, उसने ये पूरा मकान गिरा दिया। उसने मकान नहीं गिराया, मकान तो गिरना ही था, उससे पूर्व इस प्रकार की धूल खिरती है। वो करती कुछ भी नहीं है, खिरती है। ऐसे ही अनुभूति से पूर्व ये सुनने का बैठने का ऐसा विकल्प आता है, मगर वो विकल्प अनुभूति को नहीं लाता है, वो तो उससे पहले की खबर है कि ऐसा होता है अनुभूति से पहले, मगर उसमें संतोष नहीं हो भगवान,
इस प्रकार के भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, ये तत्व विचार के भाव उत्पन्न होते हैं। जल्दी 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 करने जाए तो और देरी हो जाए, क्योंकि लोग ये समझते हैं ना, ऊपर वाले के घर में वो देर है मगर अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल होगा। ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, मगर ये देर जो है यही तो अंधेर है, ऐसा समझकर जल्दी करो। ये जल्दी करने में ऐसा हो जाता है, इतनी सहजता से लेने, ये तो हमको सभी को अनुभव है ना, जल्दी 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 जल्दी। अब यहां जल्दी जल्दी आने के चक्कर में मोबाइल फोन रह गए कि लाइट चली जाएगी, देखो असली लाइट गई। वो मोबाइल फोन का चार्जिंग की बात करने वाला, कि फिर यहां पर कनेक्शन चला जाएगा तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा, तो लाओ जल्दी जल्दी। तो जल्दी के चक्कर में वही बात रह गई। बाहर गांव जाना है तो ऐसा होता है, ऊपर का बटन नीचे, नीचे का ऊपर, जल्दी 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 जल्दी। जो साथ में सामान लेकर के नहीं जाना होता वो साथ में आ जाता है, और जो खास काम का सामान था वो घर में रह जाता है, जल्दी जल्दी के चक्कर में, कि चाबी घर में ही रह गई और दरवाजा खींच लिया, दूसरी चाबी है नहीं, और पता चला कि जल्दी जल्दी के चक्कर में टिकट तो अंदर ही रह गई है, तो अब ताला तोड़वाने वाले को लाओ। इसलिए ये भगदौड़ नहीं, इतनी सहजता, तो सहजता का मतलब प्रमाद नहीं है कि ढीला छोड़ता है, चलो जब होगा तब होगा, उसका मतलब प्रमाद नहीं है। प्रमाद तो उसे कहते हैं कि ये सब सुनकर के इंद्रियों के विषय के भोगों में इतना मस्त हो जाए, और कहे कि जब होगा तब होगा, जो जो देखी वीतरागने सोसो होसी वीरारे, ऐसा कहते, प्रमादी नहीं हो। मेहनत पूरी करता है मगर समझता है कि अभी पुरुषार्थ हुआ नहीं है, मगर होगा, सहज होगा, जोर जबरदस्ती से नहीं होगा। अनुभव का रस जब छूट जाता है तब अनुभव होता है। जब पाओ पाओ पालू ये भाव जब तक अंदर में भरा है तब तक वो अनुभूति स्वरूप से अभेद नहीं हो पाता, इस स्वरूप से अभेद नहीं हो पाता, इसलिए एक कदम भी आगे बढ़ने योग्य नहीं लगता। क्योंकि उस समय जो वर्तमान का तत्क्षण आनंद है, ये अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा, अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा, कौन सा मोक्ष मुझे पाना है। लक्ष्य का विकल्प ही द्रव्य से दृष्टि हटा देता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, इसलिए मोक्ष यहां है यह भी छूट जाता है। अनुभूति है यह स्वयं ही मोक्ष स्वरूप है, इस अनुभूति में बंधन नहीं है। इसलिए अनुभव यदि करो उस प्रकार से, उस अनुभूति में कहां बंधन है। वह जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव बंधन स्वरूप नहीं है, और मैं अनुभव स्वरूप हूं इसलिए मैं बंधन रूप नहीं हूं। इसलिए यह कहा कि जीभ पर जो मिठाई रखी रसगुल्ला है, वो जो मीठे का अनुभव होता है, अनुभव, रसगुल्ले को मत देखो, जीभ को मत देखो, वह जो पहला ऐसा जो जीभ पर रसगुल्ला आते, अनुभव मीठा, ऐसा जो अनुभव, ये जो अनुभव स्वभाव है, अब वो मीठे के बदले में कड़वा होता तो भी चलता। अनुभव अनुभव है ना, किसका अनुभव, कैसा अनुभव, वह नहीं, अनुभव,
क्योंकि जड़ पदार्थों में अनुभव नाम का स्वभाव नहीं होता, वो आत्मा में है। तो जो अनुभव ऐसा जो स्वभाव, ये जो समझ में आता है कि फिर जंजीरों को याद करो, हथकड़ियों को याद करो कि क्या ये हथकड़ी इस अनुभव को जकड़ के बांधती है जो अभी अनुभव हुआ, क्या कोई हथकड़ी उस अनुभव को बांधती है, क्या इस अनुभूति में कोई कर्म चिपके हुए हैं, क्या इस अनुभूति में कोई विकार चिपका है। यहां तो मात्र अनुभव इतना ही हुआ न, ये अनुभव इतना मुक्त है इसलिए मैं अनुभव मात्र हूं, माने मैं मोक्ष स्वरूप हूं। तो अनुभूति मात्र जब आप अपने को लेते हो भगवान, तो फिर देह है ही नहीं, क्योंकि अनुभव मात्र है। और यही तो समाधि मरण की पूर्व तैयारी है, यही तो परम समाधि का द्वार है कि जो कुछ भी होता है बस मैं अनुभूति मात्र भगवान आत्मा। किसकी अनुभूति उसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना पर्याप्त है, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अनुभूति बस यही पर्याप्त है। वहां डिटेल में कुछ नहीं, हाथ मेरा जल गया, आग में लगा, बस वो जैसे ही अनुभव हुआ, गर्म का अनुभव हुआ, उष्णता का अनुभव हुआ, वो अनुभव है ना, अनुभव जिंदा है ना, अनुभव नहीं मर गया ने, वो मेरी खबर दे रहा है, वो मुझे याद दिला रहा है, वो अग्नि ने मुझे याद दिलाया कि तेरा स्वभाव अनुभव है। तो जब भी ये कोई भी ज्ञान में जानने में आता है, ज्ञानी अनुभव स्वभाव में ही है, अनुभव स्वभाव जो है उसके बाहर नहीं। इसलिए उदय कर्म के आते हैं, प्रकृतियां बदलती है, संयोग वियोग, अनुकूलता प्रतिकूलता, मगर अनुभव जिसका स्वभाव है ये भगवान आत्मा, ये दृष्टि में से छूटता नहीं है। अनुभव मात्र मैं भगवान आत्मा। इसलिए तो सगे भाई के मृतदेह को 6 महीने तक कंधे पर उठाने वाले राम, मगर भीतर में वो शोक की अग्नि में जल रहे हैं, सीता के विरह में वे तड़पते हैं। हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तूने देखी मेरी सीता मृग नैनी। मक्खियों से पूछते हैं, हिरण से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को कहीं देखा, और क्षायिक सम्यक दृष्टि पुरुष सीता के विरह में, क्षायिक सम्यक दृष्टि पुरुष अंजना के प्रति इतने विरोध में, कोई विरह में कोई विरोध में, और ये ज्ञानी, मगर वे ज्ञानी नहीं है जो शोकाकुल है, जो पीड़ित है, जो विरह की अग्नि में जल रहा है, वह विकल्प है, वह उदय है, और वह चला गया, राम का वह उदय भी चला गया। मगर यह उदय चला जाएगा, इस श्रद्धा के बल पर राम आत्मा के आनंद को नहीं भोगते थे, राम वन में आत्मा में लीन थे, वो इस श्रद्धा के बल पर कि जो उदय आया वो जाएगा, उसका तो जोर ही नहीं है, वो उदय आया गया उसमें मुझे अनुभव जो हो रहा है ये खबर दे रहा है मेरा ये स्वभाव अनुभव है। और ज्ञानी की इस दशा को समझने के लिए तुम्हें अंतर में डुबकी लगानी पड़ेगी, तब समझ में आएगा। बाहर की क्रियाएं देखेंगे तो चित्र विचित्र होगी, सौधर्म इंद्र को देखेंगे तो सौधर्म इंद्र जन्म कल्याणक में नाचता है, लोकांतिक देव को देखो तो वो तो नाचते ही नहीं है, वो तो बाल ब्रह्मचारी है, वो तो दीक्षा कल्याणक से पहले आते ही नहीं है। और सर्वार्थ सिद्धि के देव को देखो तो भगवान के 5 कल्याणक हो जाए तो भी नहीं आते, वो वहीं पर ही रहते हैं। और भरत चक्रवर्ती को देखो कि अपने भाई के सामने ये चक्र छोड़ते हैं, और ये चारों जीव सौधर्म इंद्र, लोकांतिक देव, सर्वार सिद्धि के देव और भरत चक्रवर्ती, ये चारों क्षायिक सम्यक दृष्टि, चारों का चौथा गुण स्थान, चारों के अंदर वितराग परिणति, बाहर की क्रियाएं सबकी अलग अलग है,
बाहर के भाव अलग है, एक को भाव है नाचना है, एक को भाव है दीक्षा में ही जाना है, एक को तो आने का भाव ही नहीं आता और एक को चक्र छोड़ने का भाव आता। और ये तो चार के दृष्टांत बताए, बाकी तो जितने ज्ञानी उतनी उनकी दशा। तो उस दशा पर जोर देना ही नहीं है, सिर्फ उनके अंदर में है कि अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा हूं और ये उदय का परिणाम है भगवान। बस उसे दूर देखते हैं, वो यहां नहीं आया है, वो यहां नहीं आया है, यहां जो अनुभव में आ रहा है वो उसका परिणाम नहीं है, वो मेरा स्वभाव है, वो उसका परिणाम नहीं है। ये जीभ पर जो अनुभव में आ रहा है वो छिलके का रस नहीं है, ये केले का रस है। तो तुरंत अंतर करो, ये दोनों में भेद है। ज्ञान का अनुभव प्रति समय, ज्ञान ही अनुभव में आ रहा है, मेरे स्वभाव की खबर दे रहा है। और इसमें इस अनुभूति में जबरदस्ती नहीं है, जल्दी जल्दी मैं केले को खाऊं अनुभव करूं, ऐसा नहीं। वहां सहजता है, सहजता। इतनी सहजता, बस देह देह की क्रिया करता है, उपयोग उपयोग में, ज्ञान ज्ञान में, जानने में आता है। वो क्रिया से समझ में ही नहीं आ सकता। अंतर की परिणति है ऐसी। जब गहरा इतना चिंतन चलता होता, बाहर का ध्यान नहीं होता, बाहर में रस नहीं होता, इतनी अंतर की मस्ती होती है, और तब कमरे का दरवाजा खोल करके बाहर आता हूं तो लोग कहते हैं कुछ टेंशन में है, थके हुए हैं, चेहरे से लगता है थक गए। और अंदर में फिल्म देखूं और अच्छी तरह से मेकअप करके बाहर निकलूं तो लगता है कि आज आनंद में है, बहुत भेद ज्ञान अच्छा हुआ है। ये दुनिया चेहरे को देख करके भीतर की परिणति का अनुमान लगाती है, और ज्ञानी कहते हैं उनका अंतर की परिणति के साथ संबंध ही नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति चुपचाप यहां बैठा रहे, न बोलता है न कुछ करता है, चुपचाप कोने में बैठा रहता है, सब लोग भोजन के लिए निकल जाते हैं, वो इधर ही बैठा रहता है, उसे दिन कैसे बीत गया उसका पता नहीं, उसे 15 दिन बीत गए उसका पता नहीं, न किसी से बात की, न किसी के साथ कोई मित्रता बनाई, लगता है कि ये थोड़ा अपने से अलग है, इसका स्वभाव मैचिंग नेचर नहीं है। मगर वो आनंद की घूंटे पी रहा है। हम हमारी दृष्टि से ही सभी को देखते रहते हैं, इसलिए पुरुषार्थ का असली स्वरूप समझे, जिसका संबंध सिर्फ अंतर की परिणति के साथ में ही है, बाहर की क्रिया से पता नहीं चलेगा। तीसरी शंका, thank you.
बहुत सूक्ष्म है ना। इसका विचार आपने किया है, क्या किया पहली शंका का विचार आपने? सुबह 7 बजे सुनते हैं अभी आप, थोड़ा बहुत विश्लेषण किया था तो प्रकाशित शक्ति की बहुत सारी महिमा बहुत ज्ञान में आती है, तो उसका प्रयोग कैसे चलता है? क्योंकि सर्वज्ञत्व शक्ति, दृष्टि शक्ति, प्रकाशत्व शक्ति, ये सब शक्तियां लगती एक जैसी है, मगर उनके कार्य अलग अलग है। अभी समय कम है, मगर मैं इतना कहता हूं कि ये 47 शक्ति पर विस्तार से अपनी वेबसाइट पर प्रवचन है, एक एक शक्ति पर बहुत घंटे तक बोले हैं, तो वहां से आप सुनना। संक्षिप्त में अभी बताता हूं कि जो अनुभव है, अनुभव वो प्रकाशत्व शक्ति का वहां अनुभव में कार्य होता है कि लोकालोक को तो जानता है, सर्वज्ञत्व शक्ति है कि जिससे लोकालोक झलकता है, लोकालोक झलकता है, मगर सिर्फ झलकना ये महत्वपूर्ण नहीं है, झलकने के साथ में अनुभव में भी आना। दोनों का भेद समझे कि ज्ञान सारे जगत को जानता है मगर सारे जगत का अनुभव नहीं कर सकता, अनुभव स्वयं का ही कर सकता है। इसलिए एक सिद्ध परमात्मा दूसरे सिद्ध परमात्मा का अनुभव नहीं कर सकते। जो शंका थोड़े दिन पहले ही किसी ने पूछी थी कि तन्मय हुए बिना अनुभव नहीं हो सकता, तो जो प्रकाशत्व शक्ति का माने अपने ज्ञान के साथ में वेदन के साथ में उसका संबंध है प्रकाशत्व शक्ति का, ये जो ज्ञान की ज्योति बस ज्योति मात्र ये दिखाई दे, किसे प्रकाशित करती है वह नहीं, सिर्फ ज्योति है बस उसका स्वभाव, विशेषों में गए बिना। और प्रत्येक ज्ञेय के प्रकाशित होने के काल में वह ज्योति पर ही पूरा जोर है, जैसा अभी मैंने आपको अनुभव के बारे में बताया और 2 दिन से गहराई से इस पर ही कह रहा हूं कि अनुभव स्वभाव को ही पहचानो। ये विकल्प जो है ये राग द्वेष है, ये राग द्वेष का अनुभव है ही नहीं, ये ज्ञान का अनुभव है, ये अनुभव है, अनुभव में राग द्वेष नहीं है। कि तो फिर दुख तो लगता है ना, ये दुख क्यों लगता है? तो भगवान ये जो राग द्वेष है उससे जो दुख होता है वह दुख भी अनुभव में नहीं है, वह दुख भी उदय में ही है। अनुभव का तो स्वभाव है मात्र अनुभूति, वहां वो भेद नहीं है अच्छा और बुरा, और अपने साथ में जो अभेदता और तन्मयता है कि मैं ये ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं, तो जिस ज्ञान से ये जगत को जानना, जिस ज्ञान से जानना 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 ये होता था, उसी ज्ञान का उपयोग हुआ कि मैं ये अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, ज्ञान का ही अंतर में ये उपयोग हो गया। ऐसा ही स्वरूप है, जिससे ग्रहण किया उसी से अनुभव कर लिया, जिससे ग्रहण किया उसी से अनुभव किया, चिमटे से रोटी को पकड़ा मगर जीभ से अनुभव किया, यहां कहते ज्ञान से ही पकड़ा और ज्ञान से ही अनुभव किया, इसलिए कहीं फैलना नहीं पड़ा। मैं चैतन्य सत्ता मात्र, तो अनादि अनंत ऐसी जो विराट त्रिकाल चैतन्य सत्ता, इस सत्ता में वर्तमान में जो प्रकट ये ज्ञान ये अनुभव, उसी में ही कि ये अनुभूति मात्र में भगवान आत्मा, तो वहां पर कौन सारा जगत प्रकाशित होता है,
वह नहीं है। सारा जगत प्रकाशित होने पर भी वह जो स्पर्शना अंतर में अपने स्वभाव की है। इसे सिर्फ सरल दृष्टांत से या दर्पण से ही समझे कि दर्पण में ये सारे पदार्थ प्रकाशित हो, सारे पदार्थ प्रकाशित हो, ऐसी दर्पण में शक्ति है। मगर सारे पदार्थ तक ये हाथ जाए ये शक्ति नहीं है। हाथ सिर्फ यहां पर ही दर्पण पर ही रह सकता है। प्रकाशत्व शक्ति में माने कि यह स्वयं का ही अनुभव हो सकता है, जगत का अनुभव नहीं हो सकता। तो भगवान जो स्वयं का अनुभव करते हैं वो प्रकाशत्व शक्ति अपना अनुभव करते हैं। उसका अनुभव के साथ में संबंध है, विस्तार से वहां सुन लेना। दूसरी बात जो आपने पूछा, रुचि अनुयायी वीर्य, तो जहां जीव की रुचि है वहां जीव पुरुषार्थ करता है, ये परम सत्य है। जहां ढलान है वहां पानी बहता है, जहां रुचि है वहां पुरुषार्थ करता है। यदि आत्मा का पुरुषार्थ नहीं हो रहा तो समझना कि रुचि नहीं है। शरीर में यदि बीमारी आती है तो तात्कालिक डॉक्टर के पास जाते हैं, खर्च करके भी कितना भी पैसा कहीं से उधार लेकर के भी ऑपरेशन करते। डॉक्टर कहे कि 5 लाख की जरूरत है, 5 लाख जेब में नहीं है, कहीं से भी कि मैं बाद में आपको कैसे भी करके लौटा दूंगा, अभी बस खाली मुझे मदद कर दो, जिंदगी भर आपका एहसान रहेगा। कैसी बातें करते हैं, क्योंकि वहां रुचि है। जहां रुचि है वहां समर्पण है, मैं देह हूं, बस वो रुचि है, ये रुचि है। बच्चे को पढ़ाना है, एडमिशन दिलाना है, पैसा एडमिशन के लिए भी डोनेशन देना पड़ता है आजकल बड़े बड़े शहरों में, तो वहां सब कुछ देने को तैयार है, मगर लाओ कोई आत्मसिद्धि शास्त्र छपा देते कि उसके बिना चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वहां नहीं चल सकता। बच्चे का पूरा करियर का सवाल है, जहां रुचि है वहां हम सब कुछ करते हैं। तो अपना ही निरीक्षण करना, जब मैं कहता हूं कि मेरा पुरुषार्थ नहीं उठ रहा है मैं क्या करूं, तब खुद को ही देखना कि दुनिया में क्या क्या करता हूं, और जब यहां की बात आती है तब कहता हूं कि पुरुषार्थ नहीं जगता। वहां पर कैसे धैर्य कैसे रखता हूं, वहां कैसे शांति से मैं बैठता हूं, वहां कोई आकुलता किए बिना ऐसा नहीं करता। जैसे लाख दुकान में गया, अब 9 बजे दुकान खोली है, 10 बजे तक एक भी कस्टमर नहीं आया, क्या आज कोई मुर्गा आ नहीं रहा पकड़ में? कस्टमर तो वही है ना जो कष्ट कर करके भी मरे, वही तो कस्टमर है। इतना इतनी मेहनत करता है फिर भी मरता रहता है दुकान के, तो वहां पर वो आया ही नहीं, अभी 1 घंटा इंतजार किया तो दुकान बंद करके घर नहीं चला जाता, आज कोई नहीं आ रहा, आज तो और ज्यादा व्यापार करना पड़ेगा, ये सुबह का जो खाली रह गया है वो उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो रात को फिर 1 घंटा और देरी से बैठ लेता है कि सुबह कुछ नहीं हुआ व्यापार तो थोड़ा और बैठ लो। तो बाहर के क्षेत्र में पहले तो ऐसा सोचता ही नहीं है कि कोई कस्टमर आ जाने वाला नहीं है, वहां तो कितना उल्लास है, कितनी सकारात्मक दृष्टि है, पॉजिटिव दृष्टि से वो देखता है, और यहां बैठता है तो फिर पूछता है मुझे सम्यक दर्शन होगा ना? एक क्वेश्चन क्यों करता है, होगा, और नहीं होगा तो थोड़ा ज्यादा बैठ लेना। अब तू अधिक से अधिक क्या कर सकता है, इतना ही तो कर सकता है कि दुकान खोल और बैठ, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? कोई किसी की जेब में से तू पैसे निकाल दे, उसकी थैली में माल डाल दे, ये तो नहीं कर सकता ना। अपने से हो सकता था वो सब कुछ किया, बाकी सब उदय पर छोड़ दिया। तो ज्ञानी तत्व विचार जो है वो अपने वश में अपने हाथ में कहते हैं कि हम तत्व विचार करते हैं, ये ऊपर से ऐसे कहने में कि हम तत्व विचार करते हैं। बाकी होना न होना वो भवितव्यता अनुसार है। शास्त्र का दृष्टांत है कि पति पत्नी भोग को भोगते कि बच्चा नहीं होता, अब होना नहीं होना वो भवितव्यता पर छोड़े,
वो पुरुषार्थ करते हैं, वो भी पुरुषार्थ है, काम पुरुषार्थ कहा है ने? तो वो पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा नहीं कि अपने आप बच्चा हो जाएगा, तो अपने आप होने वाला नहीं है, और मेहनत करने करते करते करने से फिर हो ही जाएगा ये भी जरूरी नहीं है, उसे फिर भवितव्यता पर छोड़ो, अपना व्यवहार निभाओ, अपनी ड्यूटी निभाओ, बाकी सब उदय पर छोड़ो, बाहर के क्षेत्र में, अंदर के क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ निरंतर हो, आत्मा की अनुभूति का बहुत विकल्प न हो, उसे भवितव्यता पर छोड़े। और आपको बता तो दिया, सम्यक दर्शन की मुझे जरूरत कहां है, कितना घोटा घोटा करके बताया है, ऐसा मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत कहां है, यदि जरूरत नहीं है तो यहां क्यों बैठे हो, क्योंकि यहां बैठा तभी तो पता चला जरूरत नहीं है, नहीं तो पता भी नहीं था, यहां आने से पहले तो यही था कि सम्यक दर्शन के बिना जीऊंगा कैसे, अब तो पता चल गया, फिर क्यों बैठे हो, अब तो पता चल गया ना कि सम्यक दर्शन की जरूरत भी नहीं है, मगर यह सुनना भी इतना मीठा लगा है कि और कुछ सुनने को मिलेगा इस आशा में, और किस किस की जरूरत नहीं है, कि परिणाम मात्र की जरूरत नहीं है, परिणाम मात्र की जरूरत नहीं है, परिणाम मेरे में आता नहीं है। तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा, मिथ्यात्व का जो काल है वो 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का उत्कृष्ट काल जो मिथ्यात्व का है, वो मिथ्यात्व बनता रहता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम बरस का, अभी ये भाव आया मिथ्यात्व बनता ऐसा हो, बनता है ऐसा, यहां तो अभी भगवान की भक्ति की पुण्य बनता कि थोड़े दिन में थोड़े समय में उसका फल मिल गया, कुछ न कुछ कि बाहर में कुछ ऐसा फल मिल गया, पत्नी माई के जाती नहीं थी चली गई, तो पुण्य मानता, पुण्य का फल मिल गया, तात्कालिक मिल गया, वो ऐसे ही मिलता है पुण्य का फल, और उसके लिए बेचारा भूखा रहा था, वो तपस्या की थी, वर्षी तप करके बैठा था, वैसे भी भूखा रहा, और पत्नी मायके गई तो फिर बाद में तो सहज भूखा रहा बिना पुरुषार्थ का, तो ऐसे ही पुण्य का उदय आता है, ये जो बाकी के कर्म है वो ऐसे ही उदय में आते हैं, मगर मिथ्यात्व सबसे खतरनाक का, मोहनीय कर्म को राजा कहा, बाकी सब प्रजा है, राजा मर जाए तो फिर प्रजा लड़ाई नहीं लड़ती, क्योंकि वो जिसके लिए लड़ती थी वो ही नहीं रहा, इसलिए मोह राजा कहते हैं। महामोहनीय कर्म कहा, बूढ़े भवजल माही, उस महामोहनीय कर्म से वो भवजल सागर में, संसार सागर में वो डूबता है, तो मिथ्यात्व कर्म जो है 70 कोड़ा कोड़ी सागरों को बरस का बनता है, और वो हर एक मिथ्या दृष्टि को बनता है, मगर वो कर्म इतना बलवान नहीं है, इसलिए जैसे ही सम्यक दर्शन पूरा हो, वो सम्यक दर्शन प्रकट होता है कि वो मिथ्यात्व तो ऑटोमेटिक तत्व विचार करने से पहले ही वो मिथ्यात्व पिघलने लगता है, मोह पिघलने लगता है, मेरा ये भाव अच्छा बुरा नहीं, राग द्वेष नहीं, मोह पिघलता है, बर्फ के टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं, ऐसे ही बस इस तत्व विचार से कि मैं अनुभूति मात्र भगवान आत्मा, इसलिए तो इस मनुष्य भव में आकर के फिर मानो एक इंद्रिय से असंगनी पंचेंद्रिय में गया, वहां तो ये भाव ही नहीं, तुम जरा विचार करो, यहां से मरकर के चीटी में पैदा हुए, अब उसे अनुभूति मात्र भगवान आत्मा का पता नहीं, मगर देह का मोह है कि मैं देह हूं, कोई छूने चाहे तो इधर से उधर भागती रहती है चीटी, पकड़ में नहीं आना चाहती, मैं शरीर हूं, ये मोह का भाव,
वहां विकल्प भी नहीं है, विचार भी नहीं है कि लाऊं मैं कुछ भेद ज्ञान करूं कि देह में नहीं हूं। माने अभी जो अवसर है यह तो इतना दुर्लभ, वो बिजली के चमकार के जैसा ही है। बिजली ने चमकार है, बस वही ऐसा है कि बस इतनी, ये मनुष्य भव बिजली के चमकार जैसा है। और अनंत काल के कर्म हो उसको भोगना नहीं पड़ता। 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का बंधा हुआ मिथ्या तो अब भोगे बिना छुटकारा नहीं होगा, नहीं। कर्म बलवान नहीं है, पुरुषार्थ बलवान है। जैसे ही जागे की वो तो कर्मों की कड़िया टूटने लगती है। वो तो कहते तुम जागो तो हम जाने को तैयार है। चोर तो घर में इसलिए आए हैं हम सो रहे हैं, जागे तो चोर आए ही। और हमें दो काम करने हैं, एक तो सोना भी है और चोर भी ना आए। इन्हें गुजराती मां कहवाई डबल ढोल की, आई जो तू छे आई जो तू छे, बे बाजो। एक ही पुरुषार्थ मिथ्यात्व जो है वो मिथ्यात्व कर्म, सत्तर कोड़ा कोड़ी सागरों पर बरस। सागर की व्याख्या तो अभी करने बैठे तो 2000 गांव का एक वो गड्ढा करो, उसके अंदर फिर बाल डालो और वो छोटे छोटे बाल जिसके दो टुकड़े ना हो सके, ये सब गणित लो। 100-100 साल में फिर एक एक को निकालो और फिर उसमें ये फिर उसमें बाल डालो, और वो भी वो है ना वो भोग भूमि का वो जो होता है उसको है? क्या बोलते हैं उसको, भेड़िया 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 भेड़ के बच्चे। अब मेरे ज्यादा आप जानते हो, मेरे क्या बताने की जरूरत है। तो ये सब समझ लेना आप, मेन ये है कि ये जो इतना सागरों को बरस का जो आयुष्य है उसमें भी घोड़े को दौड़ाते हैं कि दौड़ा उसके ऊपर, हाथी घोड़े दौड़ा उसके अंदर, तब वो हाथी घोड़े भी कहां से लाना, ये सब ये केवल भगवान के ज्ञान में जाना। एक आदमी के सामने में पढ़ा रहा था मुंबई में, जब ये वर्णन करता था और बीच में ही मेरे को बोला इससे मुक्त होने का काली उपाय बता। ये सुन के अंदर में लगता है कि इतना दुख, अभी तो गड्ढा खोदा भी नहीं था पूरा, अंतिम शंका। मैं जब वेदना करने बैठती हूँ तो ये सोचती हूँ कैसे करूँ, वैसे आप बोलते हैं सब कुछ तो ध्यान आता है और जब शब्दों का ख्याल नहीं आता, बस ये करता है कि अपने अंदर बैठ जा और दृष्टि उड़ा रख के बैठ जा, तो क्या वो वेदना की दृष्टि में नहीं मारा जाएगा? फिर से क्या करते हैं आप? स्वयं पर दृष्टि रख के बैठते हैं। बैठ कहाँ गए? कुर्सी पर। अच्छा, और वैसे बैठती हूँ कि मैं चिंतन करूँ या कुछ करूँ तो कुछ ही याद नहीं आता, क्या करूँ कैसे करूँ समझ ही नहीं आता, बस ये करती हूँ कोई या तो सूर्य या स्वाध्याय या फिर वो या फिर कैसे कुछ बैठ जाऊँगा। मगर बैठ करके होगा क्या? बस सारी दृष्टि करके बैठ जाती हूँ सोचे। तो दृष्टि कैसे करते हैं? मतलब यहाँ पे आँख को करके कहाँ कहाँ लगा के यहाँ। अच्छा, यहाँ मन लगाने का मतलब क्या? मैं फरमाता हूँ, बैठिए बैठिए बैठिए। बहुत सरल परिणामी जीव है, बहुत सरल है इस उम्र में भी।
सरल परिणामी जीवों में एक है। हम सब यही तो करते हैं, इसलिए कभी कभी मुझे भी डर लगता है, ये जब ये बोलता हूं ना एक जगह बैठ जाओ, तो लोग ऐसा समझ लेते हैं कि कुर्सी पे बैठ जाओ, टेबल वहां पर ऐसे सोफा पर बैठ जाओ, कहीं ना कहीं एक जगह बैठ जाओ। मेरे कहने का भाव ये होता है, एक ही जगह ऐसी है जहां पर बैठ जाओ। फिर दूसरा कहता हूं कि अंतर में जो यहां पर ज्ञान अनुभव में आता है तो वो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त जो भगवान आत्मा है, मगर अंतर कहते हमें यहां लगता है, यहां ये जो पूरा शरीर से ही हमारा जो ध्यान और भेद ज्ञान का प्रयोग है, ये भेद कि कहीं पर भी आप बैठो किसके बारे में सोचो कुछ भी बंधन में पड़े बिना। इसलिए तो कहा ऐसे ही बैठ जाओ ना, यहां पर ऐसे बैठे हो, जहां बैठे हो वहीं पर ही रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और जो भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है उसमें यह अनुभव करना है कि जो सामने दिखाई देता है, अभी जो ये सामने दिखाई देता है वो यहां है या वहां है, वो यहां अनुभव में आ रहा है कि वो उसकी सत्ता को छोड़ता ही नहीं है, ऐसा भेद। उसके लिए कोई जबरदस्ती करके अंदर जाओ यहां पर कुछ अनुभव करो, कुछ भी नहीं करना है। इतना सहज होना है कि बस मैं बैठा हूं, मैंने यहां पर ऐसे हाथ रख दिया बस, और मैं ऐसे ही बैठ गया, ये हाथ रखा है ये बैठ गया और ये चिंतन चला है, कोई अंदर में देखता नहीं हूं, यही विचार चलता है। उसमें इतना छोटी सी ये चाबी है, खाली कुर्सी पर हाथ रखा है और ये हाथ भी यहां कुर्सी पर है, ये कपड़ा भी कुर्सी को छू रहा है और ये ऐसी ऐसी स्थिति, और मुझे मैं आंखों से देखता हूं, और फिर अंदर यह विचार चालू हुआ कि यह कुर्सी के परमाणु, कपड़े के परमाणु, हाथ के परमाणु, इस पुद्गल के स्वभाव में इनमें अंतर क्या है और इन तीनों में भेद क्या है। अभी भेद दिखता है कि कुर्सी कटे तो मुझे कुछ नहीं होगा, कपड़ा कटे तो 200 का नुकसान है, हाथ कटे तो मैं कट गया। ये जो भेद अभी है, ये भेद क्यों पैदा होता है, क्योंकि ये जो ज्ञान जो जानता है कि ये वस्तु यहां पड़ी है, ये जानने वाला जो है वो उन परमाणुओं में नहीं है, वह जानने वाला जो है न वो कुर्सी में है, न वो कपड़े में है, न वो चमड़े में है। ये जो जानने वाला है वो कहां जानने में आ रहा है कि वो ज्ञान के एक समय की पर्याय में जानने में आ रहा है। वर्तमान में ये ज्ञान का विषय बना है, ज्ञान में ये जानने में आ रहा है, वो त्रिकाली सत्ता में ये प्रतिबिंबित नहीं पड़ता, ये वर्तमान की पर्याय में प्रतिबिंब पड़ता है। इस प्रकार से अभी इन परमाणुओं को देखा, इन परमाणुओं में कहीं पर भी अनुभव स्वभाव नहीं है, अनुभव स्वभाव मुझ में है और ऐसे अनंत परमाणु इस जगत में है, मेरा स्वभाव मेरी जाति अनुभव मात्र है और ये अनुभव मात्र भगवान आत्मा अनादि अनंत अनुभूति स्वभाव से ही परिपूर्ण है। कोई भी ज्ञेय पलट सकता है मगर अनुभव स्वभाव टिककर रहता है, वो अनुभव स्वभाव टिककर रहता है, अनुभूति ये स्वभाव है वो चला नहीं जाता। केला खाया चला गया, रसगुल्ला खाया चला गया, मगर वो अनुभव जो है, मीठे का अनुभव नहीं, कड़वे का अनुभव नहीं, फिर मैंने करेला खाया अनुभव हुआ, मिर्ची खाई अनुभव हुआ, कैसा कैसी कुछ नहीं, अनुभव अनुभव अनुभव। ये अनुभव पुद्गल में होता ही नहीं है, पुद्गल का नेचर नहीं है, ये जीव का स्वभाव है। और मात्र अनुभव को लो कि ऐसा अनुभव लक्षण वाला भगवान आत्मा में,
मैं अनुभव मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव लक्षण मात्र भगवान आत्मा मैं हूं, और ऐसा मैं भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, ऐसी इस अनुभूति में बस। और फिर ये सत्ता विराट है, फिर उसका देह से संबंध ही नहीं है, फिर मनुष्य देह में वहां अनुभूति नहीं है, अनुभूति तो आत्मा में हो रही है। इसलिए मनुष्य की जीभ उसे क्या लेना देना है, सत्ता कौन है? ये अनुभव 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 में अब कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई काला है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई गर्म है, कोई कठोर है, कोई नरम है, अब सामने जो है वो इतना कठोर पत्थर, और यहां पर मैं हाथ लगाता हूं तो दर्पण का स्पर्श होता है कोमल, बिल्कुल कोमल माने जिसमें सहज सपाटी है ऐसा, और वहां पर मैं देखो तो मुझे दिखाई देता है बहुत भारी भारी पत्थर है, यहां पर पत्थर का प्रतिबिंब पड़ता है मगर कोई भारीपन नहीं लगता है, बस खाली स्पर्श ना होती है, वहां भारीपन नहीं है क्योंकि इसने उठाया नहीं है उस पत्थर को, दर्पण ने उठाया थोड़ी है। ऐसे ही अनंत विकार, ऐसे ही अनंत देह ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, ज्ञान उसको ढोता नहीं है, और उसी ज्ञान की स्पर्श ना हो तो बस वहां कोई देह नहीं है भगवान, कोई देह नहीं है, फिर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ऐसा जो ये चैतन्य, फिर अलग 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 ज्ञेयों में फिर विकल्प आते हैं, उन्हें आने दो, जो भाव आए उसे आने दो, खाली एक जगह पर बैठ करके फिर तो कहां अंदर में डुबकी लगेगी, आप खुद कहेंगे कि अचानक ये क्या घटित हो गया, मगर लक्ष्य का निर्णय और भेद ज्ञान का डायरेक्शन ये बिल्कुल सच्चा। अब वहां पर क्या करना है अब पता ही, तब आपको याद भी नहीं रहेगा, सोचना पड़ा मैंने शुरुआत कहां से की थी, ये शुरुआत मैंने की थी यहां से, हाथ रखा था मैंने कुर्सी के ऊपर और मैं बैठ गया था और ये विचार चला था, फिर वहां कुर्सी हाथ ये सब फिर वहां दिखाई भी नहीं देता, फिर अनुभव पर ही पूरा जोर जाए। इसलिए जो भी ज्ञान में जानने में आता है, नोन टू अननोन, जाने हुए से अनजाने तक पहुंचना है, तो ये जो भी जानने में, वहां से अंतर की यात्रा करो, भेद ज्ञान से सरल इस जगत में और कुछ भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हर कोई कर सकता है, एकासना उपवास उसके लिए शरीर में शक्ति चाहिए, दवाई लेनी पड़ती है, क्या करें, देव दर्शन उसके लिए शक्ति भी है, मगर ऐसे देश में हूं कि जहां मंदिर ही नहीं है, देव दर्शन करूं कैसे करूं, तो बहुत से विघ्न बहुत से अड़चने आएगी। दूसरी तरह से कोई धर्म करना चाहे, मगर भेद विज्ञान ऐसा परम धर्म है कि कहीं पर भी हो सकता है, आग में हाथ गया वहां भेद ज्ञान हो, सुई चुभी काटा चुभा वहां भेद ज्ञान, भेद ज्ञान कहीं पर भी हो सकता है, भोगों को भोगता है वहां भेद ज्ञान करे, भेद ज्ञान में कोई बाधा नहीं पहुंचाता, अंतर में भेद ज्ञान चलता रहे, कोई रोकता नहीं है। पत्नी को आप नहीं चाहिए, पत्नी को आपका शरीर चाहिए, पति को आपका शरीर चाहिए, आप नहीं चाहिए, अंदर में भेद ज्ञान चलता रहता है और उसे जो करना है वो करता रहता है, तो कहीं पर भी कोई ऐसी भूमि नहीं है, कोई ऐसा भोग नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां भेद ज्ञान का मना हो। इसलिए तो धर्म सरल है, भेद ज्ञान सरल है, भेद ज्ञान इतना स्वतंत्र है, बनने की जरूरत ही नहीं है भगवान। इसलिए सबसे बड़ी गड़बड़ यह होती है, या तो एक कुर्सी पर ही बैठ जाना या फिर यहां पर देखते रहना, यह सब नहीं करना है। अंदर में मैं कैसे देखो, आत्मा को कैसे देखो, कुछ नहीं, जो हो रहा है उसमें स्वरूप समझना है कि वह कौन है और यहां जो हो रहा है वह क्या है, तो सब समझ में आएगा। अभी इतना ही। आगो, आगो,